हेलो गाइस, सेफ रेखास किचन में आपका स्वागत है। मैं आज आपको पाव या बन बनाना सिखाऊंगी जिसके लिए हमें चाहिए। हमने लिया है 100 ग्राम मैदा, थोड़ा सा ऑयल, नमक। 100 ग्राम मैदे में हम एक चम्मच इनो लेंगे और कुनकुना पानी। हम सबसे पहले एक बर्तन में मैदा लेंगे, उसमें मिलाएंगे थोड़ा सा नमक, एक चम्मच इनो। इसको अच्छे से मिलाते हुए एक छोटी चम्मच हम ऑयल मिलाएंगे। अब हम इसे कुनकुने पानी से एक अच्छा लाइट डो बना लेंगे। आप डो चम्मच से बना सकते हैं, लेकिन मैं हाथ से बना रही हूँ। हमने ऐसा एक रोटी जैसा बिल्कुल लूज लो बना लिया। अब हम इसमें थोड़ा सा और ऑयल लेंगे और इसको कम से कम 10 से 15 मिनट तक हम इसको फेंटना है। इसको हम स्ट्रेच फोल्ड मेथड से फेंटेंगे इस तरह से, और थोड़ी थोड़ी देर में इसमें 15 मिनट के अंदर हम 3 से 4 बार ऑयल डालेंगे ताकि बिल्कुल सॉफ्ट बन जाए। इसको हमको इस तरह से फैलाते हुए फोल्ड करना है ताकि पूरा इसके सारे पट मिल जाए और एक जैसा चिकना लोई बन जाए। इसको हमको 15 मिनट तक करना है और उसमें 4 बार ऑयल मिलाना है। हमारा डो बिल्कुल कंप्लीट और तैयार है। अब हम इसकी छोटी छोटी लोई बना लेंगे जामफल के आकार में। हमने पूरे आटे की लोई बना ली है। अब हम पाव संचे में ऑयल लगाएंगे। लोई को कुछ थोड़ा स्पेस देते हुए पास पास रख देंगे। हम ओवन को गर्म कर लेंगे और सबसे पहले इसको 5 मिनट कुछ हाई फ्लेम पर सेकेंगे। उसके बाद हम इसको 10 मिनट बाद फिर लो मीडियम पर सेकेंगे। 25 मिनट बाद हमारा पाव इस तरह से सिक कर तैयार है और इतना अच्छा कलर आ गया है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अब आप इन पाव को भाजी के साथ मक्खन लगाकर गरम करके सेक कर खा सकते हैं। प्लीज आप इस वीडियो को देखिए। अब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाए ना भूले ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके।